अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुकिंग क्रिएशन। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पाइनएप्पल सालसा। तो आए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने दो मैंगोज लिए हैं जो कि सिंदरी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा राइप अगर आपको नहीं पसंद, तो फिर अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन मैंगोज़ आप ले सकते हैं, जिससे आपका सालसा बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा बनेगा। मैंने इसमें सिंदरी आम लिए हैं और फुल राइप लिए हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें लिए हैं टू स्मॉल बेबी अनियंस, इसको मैंने कर लिया है फाइनली चॉप। साथ मैंने एक पाइनएप्पल चंक्स का कैन लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर जितना आप पसंद करें ऐड टू टेस्ट। टमाटो प्यूरी अगर आप रॉ में डालना चाहते हैं तो रॉ में डाल लें, हमें रॉ में पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसकी प्यूरी ली है अबाउट 1 टीस्पून। एनी मसाला और हॉट मसाला, हॉट सॉस आप ले सकते हैं 1 टीस्पून। मैंने इसमें मसाला पेस्ट लिया है और इमली सॉस मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है। और ये पाइनएप्पल का जूस है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं लेमन का जूस भी। और साथ ही साथ मैंने लिए हैं फ्रोज़न फ्रेश कोरिएंडर्स। तो आएँ अब इसके प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। जी जनाब, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसमें अनियंस ऐड कर लीजिए, पाइनएप्पल ऐड कर लीजिए, ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिए, इमली सॉस ऐड कर लीजिए और हम साथ ही साथ इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो फ्रेश टमाटोज इसमें ऐड कर लें, मसाला पेस्ट ऐड कर लें और सारे साथ ही साथ आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें। पाइनएप्पल का वाटर भी ऐड कर लिया है हमने इसमें और अपना ये फ्रेश कोरिएंडर भी यूज़ कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे और अगर आपको लगे कि इसमें थोड़े से स्पाइसेस कम हैं तो आप इसमें और ऐड कर लें। और हमारा मिनटों में ही ये पाइनएप्पल मैंगो सालसा तैयार हो जाता है। मज़ेदार मैंगो पाइनएप्पल सालसा बिल्कुल तैयार है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।